गुड मॉर्निंग बच्चों, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और इसमें मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट। बच्चों, आज के मोशनल ईएमएफ के कंसेप्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि यदि हमारे पास कोई कंडक्टिंग रॉड है, सपोज करिए कंडक्टिंग रॉड है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर मोशन पे इस तरीके से मोशन कर रही है तो इस रॉड के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, जब किसी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे या बच्चों किसी या परपेंडिकुलर जो है हमारा जो है ये रॉड सर्कुलर मोशन पे मूव करता है तो बच्चों इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और ये रॉड एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, किस तरीके से होता है, ये बच्चों मैं आज आपको बताऊंगा अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला, और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आते हुए मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए मोशनल ईएमएफ बाय रोटेटिंग रॉड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, हम लोग इस समय जो है पढ़ रहे मोशनल ईएमएफ और ये मोशनल ईएमएफ का मेरा तीसरा वीडियो है, तो अब हमारा होगा मोशनल ईएमएफ, ठीक है, ड्यू टू ए रोटेटिंग रॉड ठीक है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि कह रहे इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि बच्चों पिछले दो वीडियो में मैंने बताया आपको कि अगर कोई कंडक्टिंग रॉड हमारा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो एक बैटरी की तरह बिहेव करता है और उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। कैसे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ये आप पिछले दो वीडियो में देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बच्चों रॉड हमारा मूव तो कर रहा है, ठीक है मूव तो कर रहा है, लेकिन वो बच्चों हमारा जो है एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, सर्कुलर पाथ कैसे, ये सपोज करिए ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है ये, और बच्चों ये इसका सेंटर है और यहां से बच्चों एक रॉड हमारे पास कंडक्टिंग रॉड ऐसे रखी हुई है। ठीक है, कंडक्टिंग रॉड ऐसे रखी हुई है और ये रॉड बच्चों ऐसे ऐसे मूव करती है, मतलब इस डायरेक्शन में हमारे पास इस तरीके से मूव करती है। ठीक, हम लोगों ने जो भी पिछले वीडियोस में पढ़ा है उसमें ये पढ़ा था कि बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड जो है बच्चों इस तरीके से वी वेलोसिटी से मूव करती है। यहां बच्चों क्या है, यहां पर हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, चूंकि ये सर्कुलर मोशन पे है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और यहां पर वी वेलोसिटी है चूंकि ये हमारा जो है ट्रांजिशनल मोशन में चल रहा था, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था जिसके कारण बच्चों ये हमारा जो है निगेटिव पोल हो जाता था, पॉजिटिव पोल हो जाता था, पॉजिटिव पोल उधर होता था जिसको हम कहते थे वी क्रॉस वी, जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता था उसका फॉर्मूला था बच्चों एल डॉट वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला था बच्चों। ठीक है, और बच्चों वी क्रॉस बी का जिधर, जैसे वी ये है, वी अंदर की ओर है, वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आता था उधर हमारा पॉजिटिव पोल होता था और अपोजिट साइड में निगेटिव पोल होता था, ये बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, और ये एक बैटरी की तरह बिहेव करता था इस तरीके से, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इस तरीके से ये हमारा होता था। ठीक है बच्चों, अब चलिए बात करते हैं हम आगे की। यहां पर बच्चों हमारा ये जो है मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे मूव करेगा बच्चों, मूव ये भी कर रहा है, मूव ये भी कर रहा है बच्चों, ये हमारा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और बच्चों ये हमारा ट्रांजिशनल मोशन में मूव कर रहा है, तो बच्चों यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है मोशन की वजह से। ठीक, यहां पर भी जो है हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा इस रॉड में और वो भी होगा मोशन की वजह से, बस मोशन यहां पे सर्कुलर मोशन है।
ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कि कैसे होता है और कितना होता है। कैसे होता है ये बात तो आपको पता है, कितना होता है ये बच्चों हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब वो ये सर्कुलर मोशन पे ऐसे 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 मूव करेगा ऐसे, इसका जितना ज्यादा ओमेगा होगा उतना ज्यादा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब बच्चों देखिए क्या होगा, सपोज करिए ये किसी जगह पर थोड़े समय के बाद आ करके ये इस एंगल पे ऐसे आ जाता है, ऐसा हमने सपोज किया। तो बच्चों देखिए इसमें दो वेलोसिटी होंगी हमारी, इसका रेडियस मान लीजिए कि हमारा जो है इसकी लेंथ ले लीजिए, लेंथ सपोज करिए कि एल है। अब बच्चों इसकी दो हमारी जो है वेलोसिटी होगी, एक तो बच्चों होगी इसकी लीनियर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में आप पढ़ चुके हो लीनियर वेलोसिटी होगी जो कि होगी सपोज करिए वी, और बच्चों एक होगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होगी बच्चों और ये होगी बच्चों हमारी ओमेगा। हम लोग जानते हैं कि वी बराबर आर ओमेगा इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, और ये बात भी सर्कुलर मोशन में हमको पता है कि हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी तो हमारी सेम होगी, लेकिन जो है लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी हमारी रेडियस पर डिपेंड करेगा और इसके हर एक पॉइंट का रेडियस अलग अलग होगा। तो बच्चों अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम इसका जो है इंड्यूस ईएमएफ किस तरीके से निकालें। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर भी इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो बच्चों आएगा इसी फॉर्मूले से एल डॉट वी क्रॉस बी, लेकिन बच्चों यहां पर कहानी वी की फंस रही है। ठीक है, यहां पर वी है नहीं, हमको ओमेगा दे रखा है और इसके हर एक पॉइंट का वी अलग अलग है। जिनको सर्कुलर मोशन क्लियर है वो ये बात समझ रहे हैं, जिनको नहीं क्लियर है वो प्लीज सर्कुलर मोशन क्लियर कर ले। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ कि हम इस समस्या से निपटने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहां से एक्स दूरी पे, यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, इसको हमने हटा दिया, यहां से बच्चों आए एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहां पे लिया डीएक्स। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी सपोज कर ली कि हमारे पास इसकी वेलोसिटी है बच्चों वो है हमारे पास जो है वी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमने वी सपोज कर ली। ठीक, अब बच्चों देखिए ये छोटा सा एलिमेंट एक रॉड की तरह बिहेव करेगा और ये देखिए परपेंडिकुलर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सीधे जा रहा है, तो इसको छोटे से एलिमेंट के कारण जो हमारा वेलोसिटी है उसके कारण जो हमारे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बच्चों हम सपोज करते हैं कि वो डीई इंड्यूस हुआ, और बच्चों एल हो गया डीएक्स छोटा सा एलिमेंट है डॉट। ठीक है, वी क्रॉस बी हमने इसको इस तरीके से लिया। ठीक है बच्चों, ये देखिए आ गया। अब देखिए क्या होता है, एक्स डिस्टेंस पे वी है। ठीक है, देखिए वी इक्वल टू आर ओमेगा का कंसेप्ट हम यहां लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, इस एलिमेंट की वेलोसिटी वी मानी है और बच्चों एक्स ओमेगा ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हमने एक्स लिया है, ओमेगा बच्चों इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये आ गया। बच्चों इसको उठा करके हम यहां रख देते हैं तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स डॉट है एक्स ओमेगा क्रॉस बी, इस तरीके से ये आ गया बच्चों। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, डीएक्स ऐसे आ जाएगा डॉट, डीएक्स डॉट आ गया बच्चों, यहां पे आ जाएगा एक्स ओमेगा बी साइन 90। देखिए वी का डायरेक्शन ये है, बी का अंदर है, तो बच्चों इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये इस तरीके से आ गया और ये आ गया बच्चों साइन 91, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बीच में भी डी एक्स डॉट एक यूनिट वेक्टर आएगा यहां पे डीएक्स डॉट, ठीक आएगा एक्स बी ओमेगा, इस तरीके से आ गया एंड ए यूनिट वेक्टर। और बच्चों देखिए क्या हुआ यहां पर, यहां पर देखिए क्या हुआ, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी इस तरीके से आया, तो इसका डायरेक्शन हमको इस तरफ मिलेगा। ये बच्चों हमारे पास हुआ एल का डायरेक्शन और वी क्रॉस बी का डायरेक्शन सेम हो गया, तो बच्चों यहां पर इसके बीच में जब हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बच्चों यहां पे आ जाएगा हमारा डी एक्स एक्स बी ओमेगा और कॉस जीरो, इस तरीके से आ गया बच्चों, ये आ गया इंड्यूस ईएमएफ बाई ए, इंड्यूस ईएमएफ बाई ए स्मॉल एलिमेंट जो हमने वहां पे लिया। ठीक, अब चलिए इसी को हम पकड़ के चलते हैं, ठीक इसी को पकड़ के चलते हैं, तो देखिए अब हमारे पास क्या आता है, कौन सा एक्सप्रेशन हमारे लिए आता है। ठीक, तो बच्चों हम इसको लिखते हैं कि जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ हुआ
वो बच्चों क्या हुआ, वो हुआ हमारे पास डी ओमेगा एक्स डी एक्स, इतना आया, कॉस 0 1 हो जाएगा, हमारे पास ये आ गया। ये बच्चों छोटे से एलिमेंट के लिए ये हमारे पास। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज नोट करिएगा कि हमको पूरे रॉड के लिए निकालना है, ठीक है, पूरे रॉड के लिए निकालना है बच्चों। तो देखिए क्या होगा, ई जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई, और बच्चों इसको हम प्रॉपर लिमिट में करेंगे तो पहले 0 और x की वैल्यू आ जाएगी l। चलिए फिर से लिमिट लिखेंगे, अभी रुक जाइए, ठीक है, चलिए हम फिर से लिखेंगे। तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ बी डब्ल्यू एक्स डी एक्स, ऐसे आ गया। बी और ओमेगा हमारा कॉमन है, ये आ गया एक्स डी एक्स। देखिए एक्स की वैल्यू यहां से चल के यहां तक जाएगी, तो बच्चों एक्स की जो है लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी यहां पे इस तरीके से। तो बच्चों ये आ गया बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यह आएगा 0 से एल। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ ये हमारा होगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अगर कोई जो है रॉड हमारी किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमारा जो है वो सर्कुलर मोशन पे है, तो और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रही है, तो बच्चों उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बच्चों हमारा होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। और बच्चों यहां पर देखिए एक बात देखिए कि हमारे पास जो ये रॉड है इस तरीके से, ठीक है, ये रॉड है इस तरीके से, और रॉड की वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बच्चों, वी क्रॉस बी हमारा ऐसे आएगा, तो वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा उधर बच्चों पॉजिटिव होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव होगा। इस बात को आप जरा रखिएगा ध्यान, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको इसकी महीन महीन बातें बताता हूं। कुल मिलाकर के ये एक बैटरी की तरह काम करेगा, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर हो गया, निगेटिव टर्मिनल इस तरीके से इधर हो गया। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से ये हमारा जो है आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा हो गया एक जो है बैटरी की तरह। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए कि हमने ये जो है एक्सप्रेशन निकाला, लेकिन बच्चों ये हमारा फॉर्मूला नहीं है, हर कंडीशन में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अभी बताता हूं क्यों, पहले एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी मैं इस फिगर को दोबारा बनाता हूं और आपको समझाता हूं कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है मैटर कैसे करता है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि हमारे पास ये देखिए इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास इस तरीके से, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड है जो कि सर्कुलर मोशन पे, देखिए ये हुआ रॉड इस तरीके से, और ये रॉड जो है इस डायरेक्शन में जो है वी लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्यों वी क्रॉस बी, बी अंदर की ओर है, वी ऊपर की ओर, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे आया, ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल इधर हो गया, निगेटिव टर्मिनल इधर हो गया, ठीक है बच्चों। सपोज करिए ये इस तरफ ना घूम करके, ठीक है, सपोज करिए ये इस तरफ घूमता है और सर्कुलर मोशन बच्चों हमारे पास ऐसे हो रहा है, उल्टी डायरेक्शन। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए V नीचे की ओर है और B पीछे की ओर है, तो V क्रॉस B देखिए अब इधर आ गया, ठीक है, तो बच्चों इधर अब जो है टर्मिनल इसके पलट जाएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल इधर हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल इधर हो जाएगा। ये बच्चों हमारी बात हुई एक, ये बच्चों बात हुई। हमेशा आप डायरेक्शन देखेंगे, फार्मूला जो है वो है E इज इक्वल टू, ठीक है, L डॉट V क्रॉस B, V क्रॉस B का डायरेक्शन ही हमारा पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को डिसाइड करेगा। दूसरी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी कि ये जो है हमारा जो है एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन के जैसे मैंने डेराइव किया है उसी डेरिवेशन को बार बार यूज करना पड़ेगा। हमको ये देखना होगा कि हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, ठीक है, हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, क्योंकि उसी की कहानी पे हमारा सारा एक्सप्रेशन बदल जाएगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सपोज करिए बच्चों हमने जो अभी जो निकाला है उसमें क्या था कि रॉड हमारा इस एंड के अबाउट रोटेट कर रहा था, वी
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे, तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन आया वो आया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव नेगेटिव इधर होगा वो एक अलग मैटर हो गया। अब बच्चों सपोज करिए कि यही रॉड हमारे पास यही है और बच्चों अब वो रोटेट कर रहा है सेंटर के अबाउट। ठीक है, सेंटर के अबाउट, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये पोर्शन ऐसे जा रहा है और ये वाला इधर आ रहा है। ठीक, ऐसे रोटेट कर रहा है और रोटेट करने का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारा ओमेगा ही है। ठीक है, अब बच्चों ईएमएफ इंड्यूस का ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, रॉड की लेंथ हमारी एल है इस तरीके से। ठीक है, रॉड की लेंथ हमारी एल है और देखिए अब यहां पर हम किस तरीके से क्या करेंगे। सबसे पहले निगेटिव पॉजिटिव देखते हैं, तो बच्चों देखिए वी है ऐसे, ठीक है, ये एंड वी है, तो वी क्रॉस बी ये देखिए ऐसे हुआ, तो बच्चों ये एंड पॉजिटिव हो गया और ये हमारा निगेटिव हो गया। यहां पर देखिए क्या हुआ, वी क्रॉस बी, तो देखिए हमारे पास ये एंड पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ठीक, तो बच्चों हमारे पास क्या होता है कि एंड का दोनों जब मिडिल में, मिडिल में किसी पॉइंट के अबाउट जो है रॉड रोटेट करता है तो बच्चों इसके अपोजिट एंड का जो है पोलर सेम होता, पोलराइजेशन सेम होता है, बीच में अपोजिट साइन आएगा। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज बच्चों आइए इसको और घुमाते हैं दूसरे तरीके से। ये देखिए रॉड हमारे पास ऐसे है और बच्चों देखिए ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ और ये इधर चला गया। ठीक है, सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है इस पर और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, और बच्चों हमारा जो है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए क्या हुआ, वी क्रॉस बी ऐसे हुआ तो पॉजिटिव एंड हमारा बीच में आ जाएगा, निगेटिव इधर चला जाएगा, इधर भी यही होगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, बीच में पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज पहले तो आप ध्यान रखिए कि ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालेंगे। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ठीक है, यहां पर इंड्यूस ईएमएफ हमारा कितना आएगा बच्चों, ये एक जो है हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ हमारा अब सेंटर और इसके बीच में होगा। ठीक है, सेंटर और इसके बीच में होगा, तो बच्चों इसके तीन पॉइंट बनेंगे, ये हमारा ए हो गया, ये सेंटर ओ ले लीजिए, ये बी ले लीजिए। ठीक, यहां से इस तरीके से आएगा। बच्चे जब इंड के अक्रॉस निकाल रहे थे तो हमारा इतना आ रहा था, इंड के अक्रॉस निकाल रहे थे तो इतना आ रहा था, तो इंड के अक्रॉस हमारा जो आया, ठीक है, वो देखिए क्या आया, ई इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये पूरा एल है तो यहां पे होगा एल बाई टू, तो हमारा इस जगह पे जो हम यहां पे लेंगे वो आ जाएगा बी ओमेगा एल बाई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो बच्चों आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट। ये बच्चों हमारा जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, इतना ही इधर होगा, इतना ही इधर होगा। ठीक है बच्चों, और इनके इनके बीच में हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे बच्चों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्मिनल है, दोनों बीच के में डिफरेंस हमारा हो जाएगा जीरो। अब चलिए बात हम करते हैं दूसरे हिसाब से, इसको डेराइव करते हैं। बच्चों हमने क्या किया, यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स एलिमेंट लिया, ठीक है, जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले, तो बच्चों क्या होगा, डीई हमारा देखिए आएगा और वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास, वो होगा हमारे पास एक्स, वो बच्चों आएगा हमारा डीएक्स एक्स ओमेगा और बी ऐसे आया था। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, बी ओमेगा एक्स और डीएक्स ये आ गया डीई। अब बच्चों जो ई आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई, ठीक है, तो डी की वैल्यू हम रखेंगे वो आएगा बी ओमेगा एक्स डीएक्स इस तरीके से, और ये आ जाएगा बी ओमेगा एक्स और डीएक्स, और ये बच्चों आएगा जीरो से लेकर के एल बाई टू। ठीक है, जीरो यहां लेंगे, एल बाई टू यहां लेंगे। ठीक, तो अब देखिए बच्चों यहां पे क्या हुआ, इस तरीके से आ जाएगा ये बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और ये आएगा जीरो से एल बाई टू इस तरीके से आ गया। बच्चों हम फिर यहां रखेंगे वो देखेंगे बी ओमेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एल स्क्वायर बाई एट। ठीक है, ये बच्चों हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा जब ये सेंटर
के अबाउट रोटेट करा। तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये जरूर देख लीजिएगा कि हमारा जो रॉड रोटेट कर रहा है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, तभी हम उसके बाद जो है कोई कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा बनते नहीं है, सब में ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी जो बनते हैं वो मैं आपको एक दो करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कुछ है नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। ठीक, देखिए क्या होगा। पहला है हमारे पास कि हमारे पास एक रॉड है बच्चों, इस तरीके की, ठीक है, रॉड है, ये रॉड का एंड है, ये रॉड का मिडिल पॉइंट है और ये रॉड का दूसरा एंड पॉइंट है। ये बच्चों हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, इस तरीके से। और बच्चों हमारा रॉड जो है इस एंड के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, जब ये रोटेट करता है तो बच्चों यहां का पोटेंशियल हमारा वी ए होता है, यहां का पोटेंशियल वी बी होता है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट द, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, मतलब हमको क्या निकालना है, वी बी डिफरेंस वी ए, जो आ जाए उससे मतलब है हमको। ठीक है, ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो बच्चों इसका तरीका ये है कि एक बार तो इसके बीच का निकाल लें, दूसरी बार हम पहले यहां यहां के बीच का पोटेंशियल निकाल लें, फिर यहां यहां का निकाल लें, फिर हम उसका डिफरेंस कर दें। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है। तो बच्चों इसकी लेंथ सपोज करिए हमारे पास है एल, ठीक है, एल है। तो बच्चों अब जब हमारा कॉर्नर से एक साइड से जब रोटेट कर रहा था तो बच्चों हमारा आया था इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया है। ठीक है, जब हमारा एक एंड के अबाउट जो है रॉड रोटेट कर रहा था तो हमारा इतना आया था। अब देखिए क्या होता है बच्चों, पहले हम सपोज करते हैं कि हमारा रॉड इतना ही है, मतलब एल बाई टू है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एल को हम क्या रख देंगे, एल बाई टू। तो बच्चों क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ ए हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ओमेगा, एल की जगह एल बाई टू रख देंगे इस तरीके से, और ये आ गया बच्चों हमारे पास डिवाइडेड बाई टू। तो बच्चों पोटेंशियल ऑफ ए या इस तरीके से क्या, ठीक है, ये हो गया ई एम एफ एट ए इक्वल टू हो गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारा यहां से यहां तक हम रॉड लेते हैं, तो बच्चों उस कंडीशन में जो हमारा बी पॉइंट का आ जाएगा ई एम एफ इंड्यूस, वो आ जाएगा ई ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है बच्चों, हमें वी बी माइनस वी ए निकालना है, यानी कि ई बी माइनस ई ए निकालना है, बात एक ही है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमने ई एम एफ के फॉर्म में लिखा है। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट। ये बच्चों देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये आ गया हमारा फोर बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट, और ये आ गया बच्चों हमारा थ्री बाई एट बी ओमेगा एल स्क्वायर। बच्चों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए के बीच में इस तरीके से आ जाएगा। एक तो तरीका बच्चों इसको करने का ये है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। अभी हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया कि इस पॉइंट का निकाल लिया, इस पॉइंट का निकाल लिया, उसमें से घटा दिया। ठीक है, अब चलिए इसका एक और तरीका है, वो तरीका ज्यादा कारगर है, उसको देख लेते हैं। वो बच्चों हमारा है इंटीग्रेशन मेथड। आंसर यही आएगा, रिजल्ट यही निकलेगा, लेकिन मेथड बच्चों हम दूसरा अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसके पॉइंट का पोटेंशियल निकालना। हम क्या करते हैं, यहां से एक्स डिस्टेंस पे इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट ले लेते हैं इस तरीके से डीएक्स लेंथ का। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इस डीएक्स लेंथ में हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा डी, और वो बच्चों हो जाएगा हमारा डीएक्स डॉट वी क्रॉस बी, हमने ऐसे इसको सपोज कर लिया। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा डीएक्स, ठीक है, वी हो जाएगा हमारा एक्स ओमेगा बी, ठीक है, साइन 90 ऐसे हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले किया था,
तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा बी ओमेगा एक्स डी एक्स, ये आ गया डी ई। अब बच्चों ई हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू यहां पे रखी, तो देखिए क्या हो गया, ये आ गया बी ओमेगा एक्स डी एक्स, इस तरीके से इंटीग्रेशन किया हमने। तो बच्चों ये आ गया बी ओमेगा हमारा बाहर, एक्स इंटीग्रेशन के अंदर। अब बच्चों सारी कहानी यहां पे ऐसे निकल के आएगी, ठीक है बच्चों, यहां पे इस तरीके से निकल के आएगी। हम इसको यहां पे रखें तो हम लिखे इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब बच्चों हम लिमिट यहां से यहां तक रखेंगे, यहां पोटेंशियल बच्चों हमने सपोज कर लिया वो है वी ए, और ऊपर पोटेंशियल वी बी, यहां का पोटेंशियल वी ए, यहां का पोटेंशियल वी बी। यहां पर बच्चों एक्स की वैल्यू आएगी एल बाई टू, और उधर आ जाएगी हमारी एल, ठीक, ऐसे देख लीजिए। अब देखिए यहां पे आया बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और बच्चों ये हमारा निकल के आया एल बाई टू इंटू एल। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा बी ओमेगा, ठीक है, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर डिवाइडेड बाई टू, ऐसे आया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा थ्री बाई एट बी ओमेगा एल स्क्वायर, और बच्चों यहां करेंगे तो आ जाएगा वी बी माइनस वी ए। बच्चों देखिए वही चीज हमारे पास निकल के आई। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड को अप्लाई करके बच्चों हमारा जो है आप जो है क्वेश्चन कर सकते, ठीक है बच्चों। इसमें अधिकतर बच्चों यही इसी तरीके जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमारा एक रॉड जो है घूम रहा होता है, आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमारा जो है रॉड जो घूम रहा है, घूमने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, उससे हमारा रिजल्ट जो है डिफर कर जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की, थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक बच्चों। अब जैसे हमारे पास एक है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग डिस्क है, और वो बच्चों हमारे पास रोटेट कर रही है, कहां पे रोटेट कर रही है, वो रोटेट कर रही है हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज करिए ये हमारे पास इस तरीके से एक कंडक्टिंग डिस्क है, इसका रेडियस बच्चों है हमारे पास कैपिटल आर, और बच्चों यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक। तो बच्चों इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों क्या होगा कि ये इसको हम अगर छोटे छोटे रॉड में इस तरीके से काट दें तो बच्चों कई रॉड से मिली हुई ये डिस्क हो जाएगी, कई रॉड से मिली हुई डिस्क हो जाएगी। तो बच्चों सपोज करिए ये ऐसे घूम रही है तो वी इधर होगा, तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, देखिए अब ये रॉड ऐसे होगी कि सेंटर के अबाउट हमारी रोटेट कर रही है। तो बच्चों देखिए क्या होगा कि ऐसे करेंगे तो पॉजिटिव हमारा आ जाएगा बीच में और नेगेटिव चला जाएगा इधर, ठीक है। तो जब बच्चों डिस्क रोटेट करती है तो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो बच्चों ईएमएफ हमारे पास होता है रॉड में, इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे वो देखिए कितना आता है हमारे पास, ठीक है, वो बच्चों हमारे पास आएगा, देखिए हमने तो क्या किया, हमने यहां से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स एलिमेंट इस तरीके से ले लिया, ठीक है, इस तरीके से ले लिया, ठीक है। इस डीएक्स के कारण जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है डीएक्स डॉट वी क्रॉस बी, इस तरीके से आ गया डीएक्स क्रॉस बी वी क्रॉस बी डीएक्स, ऐसे आ गया और आ गया बच्चों वी बी साइन 90। तो बच्चों फिर आ गया हमारे पास बी वी डीएक्स, ठीक है बच्चों। अब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो बच्चों फिर हमारे पास आ जाएगा बी वी एक्स ओमेगा डीएक्स, ऐसे आ गया। तो बच्चों ये होगा हमारा बी ओमेगा एक्स डीएक्स, वो आ गया डी ई, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ गया बच्चों। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, हम ई निकालेंगे, ये गलत एरर लग गया, ई निकालेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, यहां रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ बी ओमेगा एक्स डीएक्स, ये ऐसे आ जाएगा बच्चों। इसका जो हम लेंगे लिमिट लेंगे वो सेंटर से इधर लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा जीरो से आर, और बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, और ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों। होता क्या है,
कि हमारे पास सेंटर में पॉजिटिव आ जाता है और यहां पर बच्चों निगेटिव एंड यहां पे इस तरीके से इंड्यूस होता है इसके चारों तरफ। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा जो था सर्कुलर मोशन में जो है रोटेट करने वाले रॉड का कंसेप्ट था, डिस्क का कंसेप्ट था। बच्चों इसमें सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा कठिन इसमें बनते नहीं है। आपको फार्मूला ड्राइव करना आना चाहिए, फिर उसमें आप तरह तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। बच्चों बहुत अधिक क्या होगा कि इसमें जो है हमारा जो है रेडियस दे देगा, सॉरी रेजिस्टेंस दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा तो करंट पूछ लेगा, करंट पूछ लेगा तो फिर हमारा जो है चार्ज पूछ लेगा, या कभी कभी हीट कितना प्रोड्यूस हुआ वो पूछ लेता है, ठीक है बच्चों। हमें मेन बात है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, कैसे इंड्यूस होता है ये बताना था। बाकी आप लोग होशियार हो, जो है करंट वगैरह आप निकालोगे। तो बच्चों छोटा सा टॉपिक था मेरा जिसमें था मोशनल ईएमएफ ड्यू टू ए रोटेटिंग रॉड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। अब बच्चों मोशनल ईएमएफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में हम एडी करंट के कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में एडी करंट के कंसेप्ट के साथ। और बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।